हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संध्या। स्वागत है आपका सहेल की रसोई में। आज हम बनाने वाले हैं फ्रेंड्स अरबी के पत्ते की सब्जी। ये सब्जी बहुत टेस्टी बनती है और ये अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। ये बेसन से भी बनती है, उड़द के दाल से भी बनती है और चने के दाल से भी बनती है। आज हम बनाने वाले हैं चने की दाल से फ्रेंड्स, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें ज़्यादा कुछ सामान नहीं लगता, हाँ बस थोड़ा सा टाइम इसमें लगता है बनाने में, लेकिन ये बहुत टेस्टी बनती है और आपके साथ मैं आज वही तरीका शेयर कर रही हूँ जो हमारे घर में बनाई जाती है, बिल्कुल उसी तरह से बनाने वाली हूँ। तो चलिए फिर देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, मैंने सारा सामान एक जगह इकट्ठा कर लिया है। ये अरबी के पत्ते हैं जिसे मैंने पानी से धो लिया है, अच्छे से साफ कर लिया है। इसे मैंने मंगाया हुआ था दूसरी जगह से, तो ये इस तरह का होता है। और यहाँ मैंने लिया है चना दाल 1 कप भर के। इसे मैंने रात भर पानी में भिगो कर छोड़ दिया था, ये बहुत अच्छे से फूल गया है। और यहाँ लिया है मैंने लहसुन। तो सबसे पहले एक मिक्सी जार लेंगे और इसमें डालेंगे चने के दाल को। तो चना दाल हमें पूरा डाल देना है और इसमें लहसुन डालेंगे, बाकी अभी कुछ नहीं डालना है। और इसे हमें अच्छे से पीस लेना है और यहाँ पानी ऐड नहीं करना है। लेकिन अगर आपको लगे कि पीसते नहीं बन रहा है, कई बार होता है कि मिक्सी नहीं चलता, तो आप 2 से 3 चम्मच पानी डालें, ज़्यादा ना डालें, नहीं तो पतला हो जाएगा। और पतला हो जाएगा तो जब आप पत्ते पर लगाएंगे तो ये इधर उधर बहने लग जाएगा। चलिए सबसे पहले पीस लेते हैं इसे अच्छे से, एकदम महीन पीसना है। यहाँ मैंने पीस लिया, अब इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। तो पूरा हमें निकाल लेना है। इसके बाद इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। और यहाँ डालना है अमचूर पाउडर 1/2 चम्मच। तो अमचूर पाउडर यहाँ ज़रूर डालें, नहीं तो फिर आप बिना अमचूर पाउडर के बनाएंगे तो ये खुजलाने लगता है खाने में, तो इसीलिए अमचूर पाउडर ज़रूर डालें। तो यहाँ मैंने डाल दिया पूरा। अब डाल देते हैं मसाला। तो 1/2 चम्मच डाल के हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए 1/2 चम्मच डाला मैंने, नमक डाला मैंने, लाल मिर्च पाउडर, अब डाल देंगे अमचूर पाउडर। उसके बाद इसे मिक्स करके पत्ते के ऊपर हमें लगाना है अच्छे से। तो अमचूर पाउडर डाल दिया मैंने, अब इसे मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया। अब चलिए पत्ते को सेट कर लेते हैं। तो पहले मैं प्लेटफार्म को अच्छे से पोंछ लेती हूँ, इसी के ऊपर हम बनाएंगे। तो 4 से 5 पत्ते का हम सेट करेंगे, ज़्यादा पत्ता हमें नहीं रखना है, नहीं तो ज़्यादा मोटा रोल हो जाएगा। तो यहाँ मैं 5 पत्तों का कर रही हूँ, तो मैं यहाँ एक ही बना के आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। तो पहले इसका हम ये डंठल काट लेंगे इस तरह से, और ऐसे हम जमाते जाएंगे। तो पहले 5 पत्तों को हम अच्छे से जमा लेते हैं एक के ऊपर एक रख के। तो ये देखिए ये हो गया हमारा। अब 1 पत्ते के ऊपर हम दाल लगाएंगे, तो चम्मच से ऐसे रख लें, उसके बाद ऐसे फैला दें पूरे पत्ते के ऊपर, आप हाथ से भी फैला सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर 1 पत्ता रखेंगे, उसके ऊपर फैलाएंगे। इसी तरह से हमें पूरे पत्ते के ऊपर लगाना है और इसे हमें एक रोल बना लेना है। ये देखिए मैं हाथ से फैला रही हूँ। अब दूसरा पत्ता रख देंगे और उसे हम हाथ से ऐसे थोड़ा सा ऐसे दबा देंगे, अब इसके ऊपर लगाएंगे। तो इसी तरह से सारे पत्ते के ऊपर लगाना है। इसके बाद गैस ऑन करके एक बर्तन में हमें पानी डाल के चढ़ा देना है और उसके ऊपर एक जाली रख देना है। तो आपके पास जो भी जाली हो आप उसको रख दें और उसमें एक रोल को रख दें, इस रोल को, और कवर कर दें। 15 से 20 मिनट लगेंगे, ये भाप में पक जाता है अच्छे से। तो ये देखिए हाथ से और अच्छे से लग रहा है। अब तीसरा पत्ता रख दिया मैंने और इसे ऐसे थोड़ा चिपका देंगे। तो आप देख रहे होंगे मैं किस तरह से कर रही हूँ, इसे करना आसान है। ये देखिए तो 3 पत्ते पे हो गया। अब चौथा पत्ता रख दिया मैंने और चौथे पत्ते के ऊपर भी हमें उसी तरह से लगा लेना है और इसे हमें मोड़ देना है एकदम रोल के आकार में। ये देखिए पूरे पत्ते के ऊपर लग गया, अब ऐसे हमें मोड़ते जाना है। तो ऐसे मोड़ देंगे आप तो ये एकदम रोल जैसा हो जाएगा। तो ये देखिए बाकी पत्ते को मैं हटा दे रही हूँ। अब गैस ऑन कर लेते हैं और इसे हम जाली के ऊपर रख देते हैं और इसे हम पकने देते हैं।
ये देखिए, जब तक ये पकते रहेगा इधर हम बाकी की तैयारी कर लेंगे। तो हमने रख दिया जाली के ऊपर, अभी इसे ऐसे कवर कर दिया। अभी इसे हम 10-15 मिनट छोड़ देते हैं। तो ये देखिए, ये पक गया एकदम अच्छे से। अब मैं यहाँ गैस बंद कर दूंगी और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हमें इसे कट करना है। तो अच्छे से ठंडा वो हो गया है। अब यहाँ इधर हम पीस लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा सरसों ऐड करेंगे। तो एक मिक्सी जार लिया मैंने, इसमें डाला सरसों 1 चम्मच और लहसुन, और थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। इधर ये भी ठंडा हो गया है। अब इसे हम कट कर लेते हैं अच्छे से। तो पीस पीस में हमें कट करना है। तो चलिए इसे कट कर लेते हैं। तो चाकू से हम इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। आप बड़ा रखना चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। ये देखिए, देखने में कितना अच्छा दिख रहा है। तो इसी तरह से हमें पूरे काट लेने हैं। इसके बाद गैस ऑन करके एक पैन चढ़ाएंगे और उसमें तेल डालेंगे, और तेल डाल के इसे हमें फ्राई कर लेना है अच्छे से। तो ये देखिए, इतने सारे टुकड़े हो गए। अब इसे एक प्लेट में मैं उठा लेती हूँ। तो इसे मैंने पूरा उठा लिया। अब इसे हम तल लेते हैं। तो चलिए, पहले गैस ऑन करेंगे और तेल हमें ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा तेल डालना है और उसी में हमें इसे फ्राई करना है। तो तेल डाल देते हैं, और तेल गरम होने के बाद इसमें हम इसे डाल देंगे और इसे पलट पलट के हमें इसे अच्छे से सेक लेना है, मतलब अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो तेल हमारा गरम हो गया। तो पैन का जितना स्पेस है उतना ही डालें, एकदम भर के भी नहीं डालना है। तो एक एक करके इसमें डाल देंगे और इसे हम फ्राई कर लेंगे। ये डाल दिया मैंने, ये देखिए, तो 4 आ जाएगा। 4 डाल देती हूँ मैं, और इसे हम पलट पलट के अच्छे से ब्राउन होते तक सेक लेते हैं ताकि अंदर तक पूरा पक जाए। तो ये देखिए, ये ब्राउन हो गया है और अच्छे से ये सेक गया है। तो आपको इसे पलट पलट के सेकना है, डाल के छोड़ ना दें ताकि चारों तरफ से अच्छे से पक जाए। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, सूखा बिना ग्रेवी के, चटनी के साथ आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। अब बाकी के जो हैं उसे भी तल लेते हैं। फिर थोड़ा सा मैंने तेल डाला। बाकी के जो बच गए हैं उसे डाल देते हैं, और इसे भी हम ब्राउन होते तक अच्छे से सेक लेते हैं। फिर वापस इसी पैन में हम ग्रेवी बनाएंगे, और ग्रेवी बना के इसे हम डाल देंगे। तो ये भी हमारा पक गया है, इसे भी मैंने निकाल लिया। अब गैस को मैंने थोड़ा कम किया, ज़्यादा गर्म हो गया था। अब तेल डालते हैं। तो तेल यहाँ 2 चम्मच मैंने फिर डाला, और तेल को गर्म हो जाने देते हैं अच्छे से। और यहाँ डाल दिया मैंने मेथी के कुछ दाने, ये मेथी दाने हैं। तो ये देखिए, अब डाल दिया मैंने टमाटर। टमाटर को थोड़ा सा भून लेंगे। इसके बाद इसमें डाला मैंने नमक। तो नमक स्वाद के अनुसार डालें, क्योंकि हमने पकौड़े में भी नमक डाला हुआ है। हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे। और हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इन सबको इस तरह से। तो मसाले डाल के हमें थोड़ा सा भून लेना है टमाटर के साथ में। मिर्च पाउडर भी डाल दिया मैंने। और थोड़ा सा भूनने के बाद में जो हमने सरसों और लहसुन का पेस्ट बनाया हुआ है उसे डाल देना है। और उसके बाद हमें मसाले को एकदम अच्छे से भून लेना है। जब तक मसाले से अच्छे से खुशबू ना आ जाए तब तक हमें भूनना है। तो ये देखिए, मैंने अभी इसमें लहसुन और जो सरसों का पेस्ट बनाया हुआ है अभी नहीं डाला है, अब डाल देंगे। तो ये देखिए, यहाँ डाल दिया मैंने। अब इसे हमें खूब अच्छे से भूनना है। तो मसाला हमारा अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो पानी आप ज़्यादा ऐड ना करें, एकदम पतला रहता है तो भी अच्छा नहीं लगता खाने में, थोड़ा गाढ़ा रहेगा तभी अच्छा रहेगा। तो मसाले को इस तरह से ऐसे प्रेस कर कर के अच्छे से भूनें ताकि टमाटर भी अच्छे से एकदम गल जाए। इसे बनाना बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स, कोई भी बना लेगा। आप एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करें, आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो
तो यहाँ मैंने पानी डाल दिया। पानी आप देख रहे होंगे मैंने ज़्यादा नहीं डाला है। अब थोड़ा सा गरम मसाला मैं ऐड कर रही हूँ। अब इसमें डाल देंगे पकौड़े को। पकौड़े डालने के बाद हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस उबाल आने तक। बस एक उबाल आएगा हमें फिर गैस बंद कर देना है। तो यहाँ मैंने डाल दिया पकौड़े को और इसे हम उबलने देते हैं अच्छे से। उबलने के बाद हम फिर गैस बंद कर देंगे। ये देखिए उबाल आ गया अच्छे से और ये सब्जी हमारा बनकर तैयार हो गया है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगा। और अगर आज की मेरी रेसिपी पसंद आए फ्रेंड्स तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में।